सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है आनंद मार्ग के इस विशेष कार्यक्रम में, इस स्वास्थ्य परिचर्चा में। हमारे बीच उपस्थित हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। दादा, आपका स्वागत है। भाइयों बहनों, भगवान ने कहा था, मनुष्य जब तक सोया हुआ है उसका भाग्य भी सोया हुआ है, मनुष्य जब बैठ गया तो उसका भाग्य भी बैठ गया, अगर वो खड़ा हो गया तो उसका भाग्य भी खड़ा हो गया, और जब मनुष्य ने चलना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो भाग्य ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो आप अपने लिए, अपनों के लिए आगे बढ़ें, बैठे न रहें, इससे आपका जीवन तो सार्थक होगा ही, दूसरों का भी भला होगा, और निश्चित रूप से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, क्योंकि आपका शरीर चलायमान होगा, आपका मन तेज गति धारण करेगा। आइए आज की इस कड़ी में हम दादा से जानते हैं एक गंभीर बीमारी के लक्षण, उनके उसके समाधान के बारे में। बीमारी का नाम है दमा। आप सब जानते हैं दमा एक गंभीर समस्या है, तो दादा इसके क्या लक्षण हैं? दमा एक ऐसा रोग है जिसमें आप पहचान सकते हैं कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है जी, और जो क्योंकि सांस नली में कफ भर जाता है, तो जिसके द्वारा ऑक्सीजन हमको अंदर जाना है वो कफ युक्त हो गई है, भर गई है नली जी, तो और सांस लेना आवश्यक है, नहीं तो लंग्स कैसे जिएगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, तो आदमी धीरे धीरे मुंह से सांस लेने लगता है जी, जोर जोर से सांस लेने लगता है, सांस में आवाज़ आने लगती है, घर घर की आवाज़ आने लगती है। तो इसमें मुख्य इसका लक्षण है ब्रीदिंग ट्रबल जी, सांस में असुविधा, क्योंकि कफ और वायु कुपित होने से रोग होता है जी, और कफ हमारे श्वास नली में स्थान बना लेता है, और ये रोग का आक्रमण आधी रात के बाद होता है, इसलिए आप पाएंगे कि आधी रात के बाद दमा का मरीज बेचैन हो जाता है। इसका कारण है कि किसी कारण से अगर कब्ज दूर नहीं हो रहा तो आदमी की आंत ठीक से काम नहीं करती जी। तो ये कहते हैं कि ये श्वास का रोग, लंग्स का रोग, ये आंत से जुटा हुआ है, जब भी कब्ज होगा तो दमा का अटैक होता है। दमा का मरीज बहुत दिन तक जीता अगर पेट को परिष्कृत रखे, साफ रखे, तो बहुत दिन तक जिंदा, कफ को जमा ना होने दे। और ये रोग में, इस रोग में हमारा अनाहत चक्र, क्योंकि फेफड़ा और श्वास की नली इसमें प्रभावित होती है, तो मुख्य रूप में हमारा अनाहत चक्र इसमें प्रभावित होता है जी, और अनाहत चक्र के प्रभावित होने से लंग्स काम नहीं
करता ठीक से काम, से श्वास की नलियां काम ठीक से नहीं करती, लेकिन गौण रूप से इसमें मणिपुर चक्र और विशुद्ध चक्र ये दोनों प्रभावित रहते हैं। तो मणिपुर चक्र के प्रभावित होने से पाचन संस्थान बिगड़ जाता है और कब्ज कर देता है। इसलिए इसमें ध्यान ये रखना होगा कि रोगी कब्ज कारक चीज ना खाए जी। पेट हमेशा परिष्कृत रहे, साफ सुथरा रहे। और अनाहत चक्र से ऊपर जो विशुद्ध चक्र है उसका भी ध्यान रखे, क्योंकि वो भी इस अनाहत चक्र को प्रभावित करता है जी। क्योंकि श्वास लेने का काम तो ऊपर नाक से हो रहा है, श्वास की नली से, तो उसका संबंध विशुद्ध चक्र होते हुए है। इसलिए जब हम इसका ध्यान रखेंगे तो जो कारण हमारे हैं, कफ जमा हो रहा है तो कफ निकलता रहेगा, इसलिए श्वास इतना तकलीफ नहीं देगा, अटैक नहीं होगा और रोगी का काम चलता रहेगा। बिल्कुल, इसमें संयम की अति आवश्यकता है। संयम अगर नहीं रखेगा तो रोग बिगड़ जाएगा। तो दादा, इसका क्या नज़ला जुखाम से भी इसका कोई संबंध है? इसमें ध्यान रखना ये होता है कि अगर नज़ला जुकाम हुआ तो रोग तुरंत बढ़ जाएगा जी। इसलिए पुराने ज़माने में हमने देखा कि श्वास के मरीज़ बरसात में और सर्दी में ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ का ड्राई क्लाइमेट है जी। इसलिए अब तो राजस्थान का क्लाइमेट धीरे धीरे बदल रहा है, नहीं तो दमा के रोगी पुराने ज़माने में बीकानेर पहुँचते थे जी। और उनको अच्छी राहत मिलती थी क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ड्राई है, हवा सूखी है। इसलिए इसको ध्यान रखना हुआ कि लंग्स में ठंड न लगे, लंग्स में ठंड लगने से बचना होगा, क्योंकि अगर कफ होगा, नज़ला जुकाम होगा तो इस रोग का अटैक हो जाएगा। कफ पैदा होगा, श्वास की नली भर जाएगी तो आदमी परेशान हो जाएगा। दोनों अवस्था में, ठंडी लगने से और कब्ज होने से जी, दोनों से बढ़ता है। इसलिए ठंडी चीज़ें नहीं खानी होगी। बढ़िया आइसक्रीम या कुल्फ़ी है, मन ललचा गया खाने को, अगर खाए गला खराब हुआ, विशुद्ध चक्र इफेक्टेड हुआ, नज़ला जुकाम होगा तो इसका अटैक हो जाएगा। और चूंकि रोगी कमज़ोर है इसलिए ऐसी चीज़ें देखने पर सोचता है कि एक दिन खाने से क्या हो जाएगा जी। मान लीजिए गर्मी से खूब आया, मन में हुआ कि फ्रिज का पानी पी लूँ, पिएगा, गला प्रभावित हुआ तो जुकाम हो जाएगा, अटैक हो जाएगा जी। इसलिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर लेना होगा। कमरे में सोया है, कूलर का प्रयोग न करे, सीधे पंखे के नीचे भी ना सोए जी। बल्कि अगर पसीना आता है तो पसीना नुकसान का नहीं है, पसीना पोंछ लो, थोड़ा बर्दाश्त करो, लेकिन ठंडी नहीं लगनी चाहिए और देह से पसीना निकलता रहे। पसीना भी अगर रुकेगा तो कफ बढ़ेगा, कब्ज बढ़ेगी। तो शरीर परिष्कृत होते रहे, ठंड से बचे और खुला ना सोएं जी। गर्मी के मौसम में भी बाहर न सोएं और बरसात में और सर्दी में खास करके बच करके रहें। ये दोनों मौसम में इस रोग का अटैक होता है। और भी दादा कुछ और सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं जिससे कि दमा से हम बच पाएं? धुएं से जी, खुली हवा उसको मिलनी चाहिए, खुली हवा में ऑक्सीजन मिलते रहे, क्योंकि लंग्स की ऑक्सीजन धारक क्षमता घट जाती है इसमें। इसलिए अगर ऐसी जगह पर है जहाँ हवादार कमरा है तो उसको सहूलियत होगी। बंद कमरे में ना रहें, कोशिश करें एसी में भी ना रहें जी, तब जा कर के उसको राहत मिले, क्योंकि बहुत संयम की आवश्यकता होगी। इसलिए ये शरीर की शीत और ताप दोनों बर्दाश्त करने की शक्ति हमको बढ़ानी होगी अगर जीना है तो। कहने का मतलब दादा कि वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है इस बीमारी में, जैसे कि कहते हैं कि धुएं का भी बहुत असर होता है इसमें, या किसी सुगंधित चीज़ का भी बहुत गहरा असर होता है। हाँ, इसलिए कमरे में अगरबत्ती भी ना जलाएं
जी, वो भी तो कार्बन देता है, बिल्कुल, धुआं होता है, बिल्कुल। तो धूल, धुआं, धुआं, धूल भी ना मिले जी। इसलिए अगर ऐसी संभावना है तो जेब में या बैग में मास्क रखें, कुछ कुछ नहीं तो दादा रुमाल तो रख ही सकते हैं, कुछ नहीं है तो रुमाल लगा लो, बिल्कुल, धूल और धुएं से हम राहत पा सकते हैं रुमाल लगा करके। आप अपना बचाव रखें, क्योंकि दमा बहुत ही सेंसिटिव बीमारी है, बहुत ही नाजुक बीमारी है, जिसका अगर विशेष ख्याल नहीं रखा गया, इससे प्रिकॉशन नहीं लिया गया, तो निश्चित रूप से ये गंभीर रूप धारण कर सकता है। दादा ने बहुत अच्छा बताया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। Education should be every child's birthright, but today, millions do not get this opportunity. Due to social conditions and economic pressures, many families cannot afford to send their children to school. In some areas of the world, there is not even a school for miles around. In such areas, Ananda Marga has attempted to set up new humanistic schools to improve the lives of the people through education. Education not only facilitates individual change, but is the key to social change and development. New humanistic schools teaches that all beings are a part of one family, and as such, social service becomes more than just a duty. Service becomes joy. In the streets of Nairobi, Kenya, children struggle to survive. Those without a home or family experience the brunt of hunger. Every Sunday, Ananda Marga's food distribution center offers a humble but nutritious meal. At least once a week, the hunger is stilled, and for a few hours, the rough reality of the streets is forgotten. अंतराल के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक गंभीर बीमारी दमा के ऊपर। हमारे बीच उपस्थित हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी महाराज। दादा, दमा की रोकथाम के लिए क्या योगिक क्रियाएं भी कारगर हैं? मैंने पहले ही बतलाया कि प्रधानतः ये अनाहत चक्र से संबंधित रोग है जी, क्योंकि अनाहत चक्र के कमज़ोर होने से इनकी नाड़ियों को, ग्रंथियों को कमज़ोर होने से श्वास लेने की क्षमता, क्योंकि श्वास नली में कफ जमा हो गया तो श्वास लेने में तकलीफ़ होने लगती है, लेकिन बेसिकली अनाहत चक्र कमज़ोर हो गया है, दुर्बल हो गया जी। लेकिन उसके साथ साथ मणिपुर चक्र भी और विशुद्ध भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इसमें पाचन प्रणाली भी खराब हो जाती है जी। क्योंकि कब्ज होने लगता है, बिल्कुल, क्योंकि रोग से लड़ते लड़ते शरीर के विभिन्न अंग इसमें प्रभावित हो जाते हैं। तो मणिपुर चक्र और उसके आसपास के जो अंग है, पाचन अंग, वो भी प्रभावित हो जाते हैं।
और चूंकि श्वास नली में कफ जमा होता है इसलिए विशुद्ध चक्र भी इससे प्रभावित होता है। तो इसमें तीन चक्र हमारे प्रभावित हो गए, दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध। इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने योगासन रेकमेंड किया है। लेकिन एक बात इसके कहने के पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस रोग का आक्रमण आम तौर पर देखा गया है जब मौसम बदलता है, तो जब सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी आने वाली है, तो दिन भर धूप लगी और सुबह शाम ठंड हो गई, तो शरीर को दो प्रकार के टेम्परेचर में रहना पड़ रहा है, रात में ठंडी में और दिन में गर्मी में। तो उस समय अगर हमने ध्यान नहीं रखा, लंग्स को और गले को अगर एक्सपोज कर दिया, तो नज़ला जुकाम होगा और कफ अगर बन गया, तो नेचर का एक ऐसा विधान है कि कफ को, चूँकि ये फॉरेन एलिमेंट है, इसलिए इसको शरीर से बाहर करने के लिए खांसी आती है। तो खांसी अपने आप में रोग नहीं है जी, बल्कि कफ को बाहर करने की हमारी चेष्टा है। इसलिए मार्च अप्रैल में बच के रहना होगा, क्योंकि सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है। दूसरा वैसे ही अक्टूबर नवंबर में, तीसरा उसके पहले, गर्मी जा रही है, बरसात आ रही है, जुलाई के महीने में। इसलिए तीन टाइम में आदमी को कफ से बच के रहना होगा। कफ कारक चीज खाए नहीं और ठंडी गर्मी से बचे जी। ऐसा अगर होगा, क्योंकि इस उपचार में, चिकित्सा में सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं जी। अगर सावधानी हमने नहीं रख बरती और सोचा कि हम आसन करते जा रहे हैं, रोग क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तो उसके साथ जो सावधानियां बताई गई उसको बरत नहीं रहे हैं और केवल आसन करते जा रहे हैं, तो आसन अपना प्रभाव दिखाएगा और असावधानियां अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो कफ बढ़ेगा तो कष्ट तो आपको होगा। इसलिए ध्यान रखना होगा। अब आ जाएं कि सुबह को व्यापक स्नान विधि आचार से आप सीखेंगे और चर्याचर्य पार्ट थ्री में आसनों के साथ गुरुदेव ने आनंद मार्ग का पब्लिकेशन है उसमें लिख दिया है, उसको लीजिए। बल्कि जिनको ये करना है, ये आनंद मार्ग के किसी भी जगह से आप चर्याचर्य पार्ट तीन की, भाग तीन की एक प्रति अपने साथ रख लें, आसनों की, मुद्राओं की, और ये विधियाँ उसमें बतलाई गई हैं। तो सुबह उत्क्षेप मुद्रा करनी, नौकासन, पादहस्तासन, मत्स्येन्द्रासन और वायवी मुद्रा। वायवी मुद्रा सीधे अनाहत चक्र को प्रभावित करती है और अनाहत चक्र को बल देती है। इसका प्रभाव हमने देखा है लोगों को देख करके, और ये दमा को ठीक करने में बहुत ही सहायक है। तो इन आसनों के साथ, नौकासन के साथ, पादहस्तासन के साथ, मत्स्येन्द्रासन के साथ, वायवी मुद्रा का संयोग सुबह में करने से इस रोग में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और संध्या काल में सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन, योग मुद्रा, भस्त्रिकासन और उड्डयन मुद्रा, ये संध्या काल में अगर इनको करते हैं तो हमारा विशुद्ध चक्र भी और अज्ञा चक्र भी दोनों ठीक अवस्था में रहेगा, फिर हमको इसमें अच्छी राहत मिलती है। यौगिक चिकित्सा में गुरुदेव का यही सुझाव है, अगर दोनों सुबह शाम अगर आदमी अपना करके करेगा तो हमको रोग से अच्छी राहत मिलती है। बहुत अच्छा बताया दादा आपने, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप स्थानीय केंद्र से संपर्क करें। दादा इसमें पथ्य क्या होगा?
पथ्य इसमें दूध आहार और चिकित्सा दोनों रूप में ले सकते हैं जी। दुग्ध का, गो दुग्ध का बहुत अच्छा असर है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर का, बहुत ठंडा भी नहीं बहुत गर्म भी नहीं, बॉडी टेम्परेचर का दूध, उबला हुआ दूध आप पिए, इससे बहुत अच्छी राहत मिलती है। इसके अलावा कुछ चिकित्सा भी गुरुदेव ने बतलाया है कि अगर पुनर्नवा की दो किस्में हैं, एक है श्वेत और दूसरा है बैंगनी रंग का होता है, तो पुनर्नवा की जड़ एक तोला और उसमें 2.5 काली मिर्च का दाना लेकर और खाली पेट सोमवार के दिन उत्तर दिशा में अगर बैठ करके आदमी उसको ले तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा क्यों दादा, सोमवार के दिन और उत्तर दिशा, इसका क्या वो है? ये कुछ प्रयोग ऐसा है, तांत्रिक प्रयोग जो वैदिक शास्त्र का है, ये भगवान शिव के काल से चलते आया है जी। जैसे जॉन्डिस में, जॉन्डिस का कोई सीधा इलाज नहीं, डॉक्टर आपको ग्लूकोज पानी देता है पीने के लिए और कोई खास इसका इलाज है ही नहीं, लीवर को आराम देने के लिए परहेज बतलाएगा जी। लेकिन एक ऐसी जड़ी है जो गुरुदेव ने बतलाई है, उसको इतवार को अगर खाली पेट लेते हैं तो एक बार में रोग ठीक हो जाता है। अब आप पूछ रहे हैं कि इतवार को ही क्यों, तो पता नहीं परमात्मा का विधान क्या है कि सोलर सिस्टम में धरती पर ये हम इसको तो तांत्रिक प्रयोग कहते हैं कि गुरुओं का आशीर्वाद है कि ऐसा करोगे तो फायदा होगा जी। इसका कोई लॉजिकल उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेशन है गुरुदेव की ओर से कि इसको उत्तर दिशा में सोमवार के दिन बैठ करके अगर इसको लेते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है जी। इसके अलावा गाय का घृत, गाय घृत कांसे के पात्र में जी उसको डाल दीजिए और उसको 2.5 तोला अदरक के साथ उसको उबालिए और उबालने के बाद उसको कांसे के बर्तन से ढक करके छोड़ दीजिए। जब वो उबल जाए कि उसको 1/8 किलो लीटर गाय के दूध में उसको मिला करके अगर अस्थमा पेशेंट को आप देते हैं तो जो जमा हुआ कफ अंदर है उसको बहुत आसानी से निकाल देता है जी। और इसमें सफरिंग है खांसी नहीं, जो कफ बन गया है सांस लेने में तकलीफ करता है उसको बाहर निकालना, तो इसमें ये प्रयोग कफ को बाहर करने में बहुत अच्छा सहयोगी होता है और बहुत ये मुफीद साबित होता है। इसके करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, खास करके कफ को बाहर करने में। इसके अलावा मयूर पंख का उसको कहते हैं मयूर भस्म, इसको जला करके और 1/16 हिस्सा तोले का उसको लेकर और अगर हम शहद के साथ चटवाते हैं तो इससे भी दमा के मरीज को अच्छी राहत मिलती है। बहुत बहुत अच्छा बताया दादा आपने, आशा करते हैं कि आपको ये सारे उपाय उपचार समझ गए होंगे, आप इनका पालन करें और दमा जैसी खतरनाक बीमारी से आप बचें। किसी भी तरह की बीमारी है तो उसका समाधान आप आनंद मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को लगातार आप देखते रहें, दादा के द्वारा बताए गए उपाय को ग्रहण कर आप रोग मुक्त हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही दादा,
आदेश दें। प्रणाम और नमस्कार। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725। आवर वेबसाइट www.amps.net.in। कैंप ऑफिस मधु मंजुषा, हेहल रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725। दिल्ली ऑफिस D41 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, न्यू दिल्ली 110049। फोन नंबर्स 01124643344, 09818927367, 09999987923। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय चा।